दिस एट एक्स इक्वल टू वन। अच्छा एक्स इक्वल टू वन पे कह रहा है, एक्स का वैल्यू यहाँ वन रखेंगे तो थ्री टी स्क्वायर प्लस वन ये जाएगा उधर जीरो जाएगा, थ्री टी स्क्वायर इक्वल टू में जीरो यानी टी का वैल्यू यहाँ से जीरो आ जाएगा। टी का वैल्यू जीरो आ गया ना जी। अब इसके बाद देखते हैं, हमारे पास एक्स इक्वल टू में दिया है थ्री टी स्क्वायर प्लस वन, अच्छा और वाई इक्वल टू में यहाँ पर दिया है टी क्यूब माइनस वन। दोनों को डिफरेंशिएट करते हैं ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू टी। टी का वैल्यू हम लोग पहले ही निकाल लिए हैं, डीएक्स बाई डी टी हो जाएगा सिक्स टी और डी वाई बाई डी टी हो जाएगा थ्री टी स्क्वायर ठीक है। तो अब देखिए इसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि डी वाई बाई डी एक्स डी टी और वाई में डी एक्स बाई डी टी डिवाइड कर लेते पहले, तो थ्री टी स्क्वायर बाई में सिक्स टी, ये डी टी से डी टी कैंसिल, एक टी से एक टी कैंसिल, थ्री टू जो सिक्स, यानी कि आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स जो होगा वो आ जाएगा टी बाई टू के इक्वल। तो यही ना स्लोप ऑफ टेंजेंट होगा, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है टेंजेंट एट टी इक्वल टू में जीरो पर वो हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स एट टी इक्वल टू जीरो, यानी कि 0/2 जीरो हो जाएगा। तो ऑप्शन में देखिए कौन जीरो है, बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। उस समय